24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार दोपहर 4 बजे। रोज़ाना की तरह काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से एयर इंडिया IC 814 न्यू दिल्ली के लिए जाने के लिए तैयार थी। ये एक लोकल फ्लाइट थी जो 2.5 घंटे की ड्यूरेशन के साथ दिल्ली चलती थी। तो वहाँ पे कुछ अनजान व्यक्ति वहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं और जो बैग्स हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं, और 5 व्यक्ति होते हैं वो 5ों इस न्यू दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार हो जाते हैं। तो ये फ्लाइट अभी 1 घंटा ही हुआ होता है कि वो लखनऊ के आसपास होती है। इतने में ही जो 5ों व्यक्ति हैं वो खड़े होकर इंटरकॉम में बता देते हैं कि हमने ये हाईजैक कर लिया है और आपको लेकिन कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, हम अपने सिर्फ मिशन पे ध्यान रखेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी की गई तो हम आपको उसी समय छोड़ देंगे। तो उसी के साथ उसने जो उनका लीडर था वो जो एक बंक एरिया होता है नीचे उसके ऊपर का उसने लैच ढक्कन उठाया और उसमें से एक काला बैग निकाला, क्योंकि जब वो खुद जब सवार हुए तो उनके पास कोई वेपन नहीं था, क्योंकि उनको पता था वहाँ पे चेकिंग में पता लग सकता था और वो इस मिशन को डेंजर में नहीं डालना चाहते थे। तो जब वो सवार हुए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हाईजैक के लिए मुसाफिरों को बोला तो उस समय मुसाफिर कुछ यही खालियाँ देख कर, कई मुसाफिर उनको सीरियस नहीं ले रहे थे और आधे कह रहे थे कि इन पे काबू पाया जाए। तो इतने में ही उनका जो लीडर था वो भागकर एक लैच उठाता, उसमें से बैग निकालता है, जिसकी जिप खोलते ही सारे जो मुसाफिर होते हैं वो एकदम डर से सहम जाते हैं, क्योंकि उसमें हर तरह की असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स रिवॉल्वर्स थी और हज़ारों गोलियाँ थी, एमुनिशन था, जिनको जल्दी से जल्दी उन्होंने अपने पिस्टल्स में भरा और उन पे तान दी मुसाफिरों पे, और उनको कहा कि अगर आप हमारे रूल के हिसाब से चलोगे तो हम एक को भी कुछ नहीं कहेंगे और अगर आप नहीं मानोगे तो आपको गोली मारी जाएगी। तो इसलिए आपको उनको कहा गया कि आप आके बंद करें और अपना सर नीचे करके बैठ जाएं आराम से और हमें अपना काम करने दें। तो ये बैग वहाँ पे कैसे आया? अब उनको वहाँ पे जब टेक ऑफ करना होता है जहाज़ को तो कुछ ही लोग होते हैं जिनका एक्सेस होता है वहाँ के लिए। सबसे पहले होते हैं क्रू मेंबर्स, फिर कैप्टन्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, लेकिन उनसे भी पहले वहाँ पे फ्यूल भरने वाले टैंकर आता है, उनको भी अंदर जाने का कोई एक्सेस नहीं है, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन जो टेक्नीशियन होते हैं जो कि चेक करने आते हैं हर बार, फ्लाइट से पहले चेक होते ही होती है कि कोई चीज़ कॉकपिट में ठीक है, कुछ गलत है या नहीं है, या फिर दूसरे नंबर पे जो बैगेज कैरियर जो बैग रखते हैं वहाँ पे अंदर, तो उन दोनों में से ही किसी एक को ICI की इसके पीछे हाथ माना जाता है, तो अच्छी फंडिंग थी, तो दोनों में से किसी एक डिपार्टमेंट के बंदे ने वहाँ पे पैसे खाकर वो जो असली से भरा हुआ बैग था वो पहले ही उसमें रख दिया था और उसके बारे में आतंकी का जो लीडर था उसको बता दिया गया था, इसीलिए वो पहले ही जाकर लैच उठाया और उसने उसमें से वो निकाल लिया बैग। तो अब असला देखकर किसी की हिम्मत तो पड़ी नहीं कुछ करने की, तो उन्होंने जाकर जब यही चीज़ उनको जो पायलट था उनको जाके बोला कि आप ये दिस फ्लाइट हैज़ बीन हाईजैक, सो अभी इसको सीधा कांधार बेस की ओर लेके चले। उनके कैप्टन देवी शरण थे, उन्होंने कुछ हिम्मत दिखाई और उन्होंने देखा कि जो जितना हो सके तो उन्होंने दिलेरी दिखाई, तो उन्होंने यही कहा, बहाना मारा एक तरह से, कि जो फ्लाइट है उसमें सिर्फ 1/2 घंटे तक के फ्यूल बचा है जो कि सिर्फ दिल्ली तक ही जा सकती थी, इसीलिए इसमें लोकल फ्लाइट है, इसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं, सिर्फ 15 मिनट का फालतू फ्यूल होता है, उस हिसाब से 1/2 घंटे का फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश कर जाएगी, तो कांधार जाने में 3 घंटे लगेंगे तो ये मुश्किल है। तो आतंकियों ने कहा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा कि
उसने अपॉर्चुनिटी देखी कैप्टन ने, तो उसने उसी टाइम कहा कि जो अमृतसर का एयरपोर्ट है वो हमारे बिल्कुल पास है, हम वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से आप उनको फ्यूल के लिए कह सकते हैं, और फ्यूल आप ओके फिर आप जहाँ मर्जी कहेंगे हम ले चलूँगा। क्योंकि देवी शरण को उन्होंने क्या किया था, आँखों जाकर ट्रांसपॉन्डर होता है जिसे ATC से बात होती है नीचे, उन्होंने वो ऑन कर दिया था ताकि जो भी वहाँ कॉपी में बात हो रही थी आतंकियों के साथ वो सारी नीचे टावर वालों को जाने लगी, और उनको इसी चीज़ से पहले पता चल गया कि एक ये जो जहाज़ लैंड होने आ रहा है वो हाईजैक हो चुका है। तो उसके चलते ये दो स्टेप बड़े अच्छे जो देवी शरण ने उठाए थे कैप्टन ने, और उसको यही था कि एक बार जब वहाँ पे लैंड हो जाएगा उसके बाद तो वहाँ पे एनर्जी एजेंसी जो होंगी वो पहले ही पीछे ले रखी होंगी उन्होंने, तो इतने में वो हमें छुड़ा लेंगे। तो जब वहाँ पे लैंड किया तो उससे पहले ही जो गृह मंत्रालय को बताया गया था हाईकमान को, तो उन्होंने DGP पंजाब पुलिस और SSP अमृतसर के दोनों को लैंड होने से पहले ही पहुँचने के लिए कहा गया और पोजीशंस लेने के लिए कहा। तो उनके साथ ब्लैक कमांडो सारे थे, उन्होंने लैंड होने से पहले ही तो वहाँ पे पोजीशंस ले ली थी ताकि जब आए तो उनको रिटेलिएट करके हम रोक सकें। तो जब वो वहाँ पे उतरे तो उतरने के बाद उन्होंने वहाँ से टैंकर लेने के लिए कहा, तो टैंकर में डिले करने के लिए पहले ही कहा गया था, क्योंकि उनको यह था कि अगर डिले होगा तभी NSG पहुँचेगी और NSG आपको लीड करेगी, आप उस टाइम तक कुछ नहीं करेंगे। तो वो वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन इतनी देर में 1 घंटा बीत गया, SNS वहाँ पे नहीं आई। पंजाब पुलिस ने 2 बार रिक्वेस्ट की कि हमें अटैक करने का ऑर्डर दिया जाए, हम रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन वाजपेयी सरकार उस समय मानी नहीं। उन्होंने कहा कि NSG आएगी वो ही करेगी, लीड करेगी, तब तक उनको रोका जाए, फ्यूल जो है उसमें देरी करो देने में। लेकिन वहाँ पे जो आतंकी थे वो समझ चुके थे कि ये इनकी कोई चाल है और इसीलिए ये टाइम लगा रहे हैं, तो उसने जाके देवी शरण को कहा कि अभी टेक ऑफ करो, नहीं तो मैं जो एक व्यक्ति को लेके आया था कि इसको अभी मारना शुरू करूँगा, 10 मिनट बाद एक और के लाके मारना शुरू करूँगा, इसलिए जल्दी से टेक ऑफ करो चाहे फ्यूल आए चाहे ना। तो जब कैप्टन देवी शरण फिर उनको टेक ऑफ करने के लिए मना कर दिया कि मैं फ्यूल नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनके सामने उनको कैप्टन को दिखाया गया, उन्होंने एक रिपन गर्दयाल जो कि हनीमून से आए थे उनको वहीं पे कत्ल कर दिया उनके सामने, और कहा कि अगर आप नहीं चलोगे तो 10 मिनट बाद दूसरे को गोली मार दी जाएगी। तो कुछ ना होते हुए देवी शरण को मजबूरी में टेक ऑफ करना पड़ा, उधर पंजाब पुलिस भी लाचार होकर देखती रही क्योंकि उनको ऑर्डर ही नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक नाकामी थी सरकार की वहाँ पे। तो वहाँ से वो लाहौर नज़दीक पड़ रहा था इसलिए लाहौर जाकर उन्होंने फ्यूल अप किया, और वहाँ पे फ्यूल लेने के बदले में जो कैप्टन देवी शरण है उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि फ्यूल जब यहाँ से ले जाएंगे मैं तभी टेक ऑफ करूँगा अगर आप बच्चे बूढ़े और जो लेडीज़ हैं उनको यहाँ पे उतार दें, बाकी मैं जहाज के कंधार जाने के लिए तैयार हूँ। तो आतंकी मार गए और वहाँ पे फ्यूल के बदले उनको बच्चों बूढ़ों को लेडीज़ को वहाँ पे उतार दिया गया। तो जब वो विमान कांधार पहुँच गया तो वहाँ पे उस समय तालिबान शासन था, तो तालिबान शासन होने के कारण वहाँ पे जो उन्होंने मीडिएटर का एक तरह से काम किया, तो वहाँ पे जब न्यू दिल्ली से 10 जनों का एक डेलीगेशन कांधार भेजा गया कि ताकि पता चल सके कि वो उनकी क्या डिमांड्स हैं आतंकियों की और कैसे वो रिहा करेंगे। तो जब वहाँ पे गए तो पहली बार 5 दिन गुजर चुके थे अब तक, तो मुसाफिरों का बुरा हालत था, अंदर गर्मी से बुरा हाल था, तो वो जहाज़ में 5 दिन से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हाल होगा उनका। 5 दिन बाद जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि हमें जो आतंकी थे उन्होंने यही कहा कि हम मुसाफिर को बदले एक तो अजहर महमूद जो वहाँ पे तिहाड़ जेल में बंदी थे, और 4 करोड़ डॉलर्स की फिरौती
और सज्जाद अफगानी जो कि एक कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, उनका शव लेने के लिए कहा गया। और वहीं पे जो एक अहमद मसूर थे उनको भी छोड़ने के लिए कहा गया। तो वहाँ पे जो अपना ये तालिबान थे उन्होंने मीडिएटर का काम करते हुए उनको एक तो फिरौती और एक शव लेने के लिए उनको मना किया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बाकी चीज़ें आप इंडियन गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। तो उसी के चलते उन्होंने कहा कि ये चीज़ें चलो हम मान लेते हैं, लेकिन जो अहमद मसूर हैं और अजर अजद मोहम्मद हैं वो इनको और मुश्ताक शेख को इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ से तिहाड़ जेल से इन तीनों आतंकवादियों को ले जाकर लाहौर छोड़ा गया। और उनको छोड़ने के बाद ही जाकर कहीं उनको जो इंडियन मुसाफिर थे उनको छोड़ा गया। और ये एक तरह से बहुत बड़ी नाकामी थी, फेल था ऑपरेशन भोपड़ा, जिस जहाँ पे उनको आतंकियों के सामने झुकना पड़ा। हालांकि ये चीज़ अमृतसर हवाई अड्डे पे ही रिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन NSG ने पहुँचने में देरी की। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी बड़ा एक तरह से दाग एजेंसीज के ऊपर लग गया था, क्योंकि कोई भी जो ज़्यादातर जो देश हैं वो ये हाईजैक में आतंकियों के सामने नहीं झुकते, वो उनसे रिटेलिएट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय।